अपने बच्चे के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस हद तक हैरान कर देगा यह वाक्या आपको। पश्चिम बंगाल के इस दंपति को अपने 8 साल के बेटे को बेचना पड़ा। वजह आपको स्तब्ध कर दे, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता। आइए बताते हैं आपको इनकी मजबूरी। मजबूरी थी इंस्टाग्राम रील्स, जो वे केवल आईफोन 14 पर बनाने का शौक रखते थे, तो बिना किसी शोक के बेच दिया अपने 8 साल के मासूम को। बच्चा दरअसल मजबूरी बन गया था और उसे बेचकर यह जोड़ा राज्य भर में घूमकर जगह जगह की ट्रैवल रील्स इंस्टाग्राम पर बनाकर फेमस होना चाहता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जयदेव और साथी घोष वेस्ट बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। इस दिल दहलाने वाली घटना से पर्दा तब उठा जब दंपति के पड़ोसियों को संदेह हुआ कि अगर किसी का बच्चा आंख से एक पल के लिए भी ओझल हो जाता है तो माता पिता की मानो जान निकल जाती है। लेकिन कुछ समय से गायब हुए इतने छोटे बच्चे की उसकी माँ बाप को रत्ती भर भी फिक्र नहीं। यही नहीं, जिस परिवार की आय महज कुछ हजार रुपए महीना है, वह 70,000 का आईफोन लेकर मजे से घूमते नजर आ रहे थे। अचंभित पड़ोसियों ने तब जाकर स्थानीय पार्षद को सूचित किया। पुलिस की जांच में इस अप्रिय घटना का खुलासा हुआ। तफ्तीश के बाद मां ने कथित तौर पर कबूला कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स, घूमने, मशहूर होने और महंगे फोन की लालसा में उसने अपने जिगर के टुकड़े को बेच मां की ममता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके साथी जयदेव घोष अभी भी फरार हैं और स्थानीय पुलिस अभी तलाश में है। अपने बच्चे के लिए माँ बाप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस हद तक हैरान कर देगा यह वाक्या आपको। पश्चिम बंगाल के इस दंपति को अपने 8 साल के बेटे को बेचना पड़ा। वजह आपको स्तब्ध कर दे, मजबूरी में इंसान क्या कुछ नहीं करता है। आइए बताते हैं आपको इनकी मजबूरी। मजबूरी थी इंस्टाग्राम रील्स, जो वे केवल आईफोन 14 पर बनाने का शौक रखते थे, तो बिना किसी शोक के बेच दिया अपने 8 साल के मासूम को। बच्चा दरअसल मजबूरी बन गया था और उसे बेचकर यह जोड़ा राज्य भर में घूमकर जगह जगह की ट्रैवल रील्स इंस्टाग्राम पर बनाकर फेमस होना चाहता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जयदेव और साथी घोष वेस्ट बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले के रहने वाले हैं। इस दिल दहलाने वाली घटना से पर्दा तब उठा जब दंपति के पड़ोसियों को संदेह हुआ कि अगर किसी का बच्चा आंख से एक पल के लिए भी ओझल हो जाता है तो माता पिता की मानो जान निकल जाती है। लेकिन कुछ समय से गायब हुए इतने छोटे बच्चे की उसकी माँ बाप को रत्ती भर भी फिक्र नहीं। यही नहीं, जिस परिवार की आय महज कुछ हजार रुपए महीना है, वह 70,000 का आईफोन लेकर मजे से घूमते नजर आ रहे थे। अचंभित पड़ोसियों ने तब जाकर स्थानीय पार्षद को सूचित किया। पुलिस की जांच में इस अप्रिय घटना का खुलासा हुआ। तफ्तीश के बाद मां ने कथित तौर पर कबूला कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स, घूमने, मशहूर होने और महंगे फोन की लालसा में उसने अपने जिगर के टुकड़े को बेच मां की ममता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिलहाल वह पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके साथी जयदेव घोष अभी भी फरार हैं और स्थानीय पुलिस अभी तलाश में है।